गुजरात की अंदर तमे गम्मे ना जाओ पण जामनगर जेवी लालाबाई बोनविटा वाली चाय क्यांय नो मळ्यो क्यांय नो मळे तमे बधाए पीधी के नहीं मी चेहरा लोली बदाडो दोस्तों कैसे आप लोग हैं, होप आप लोग बढ़िया ही होंगे। आप सभी का स्वागत है आज के नए वी लोग में। और दोस्तों आज का जो व्लॉग है वो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है और बहुत ही खास होने वाला है, और उन लोगों के लिए भी खास होने वाला है जो फैन है गुजरात के गरीबों के मसीहा यानी कि कॉमेडी किंग खजूर भाई के। उनके लिए भी ये वीडियो खास होने वाला है क्योंकि आज जामनगर में आ रहे हैं खजूर भाई यानी कि नितिन जानी और उसकी टीम, जो बड़े पॉपुलर है आप सभी लोग जानते होंगे। जो नहीं जानते हैं वो गूगल में उसको सर्च कर सकते हैं, नाम लिखोगे तो पूरी हिस्ट्री निकल जाएगी। तो खजूर भाई यहाँ पर जामनगर में आ रहे हैं अभी थोड़ी ही देर में, अभी यानी कि 4 बजे है, 5 बजे खजूर भाई आ जाएंगे। तो मैं भी वहाँ पर जा रहा हूँ उसका वेलकम करने के लिए, और जामनगर में ज़बरदस्त खजूर भाई का वेलकम करने वाला है क्योंकि वो आ रहे हैं ग्रैंड ओपनिंग करने के लिए जीजा फैशन का, जो एक नया फैशन शॉप ओपन हुआ है जहाँ पर हमको रेडीमेड मैरिज के कपड़े मिलेंगे रेंट पर और हम खरीद भी सकते हैं। तो यहाँ पर नया है ना उसका ब्रांच ओपन हुआ है, तो उसका इनॉग्रेशन करने के लिए यानी कि ग्रैंड ओपनिंग करने के लिए खजूर भाई आ रहे हैं, तो हम भी उसको मिलने जा रहे हैं। और मैं स्पेशल खजूर भाई का बहुत ही बड़ा फैन हूँ और उसको है ना 7 सालों से फॉलो कर रहा हूँ, और 7 साल से उसके सभी वीडियोस देख रहा हूँ, सभी कॉमेडीज वीडियो हो या तो फिर वो जो मकान बना रहे हैं गरीबों के लिए वो भी सभी व्लॉग्स वगैरह सब देखता हूँ। तो मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ खजूर भाई को मिलने के लिए और उसका वेलकम करने के लिए, स्वागत करने के लिए। तो चलिए फटाफट है ना 4 बजे है मैं वहाँ पर जा रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो आपको भी है ना साथ में लेके जाता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ कि वहाँ का क्या सिचुएशन है और कहाँ वहाँ का क्या है पूरा आयोजन, वहाँ पर क्या होने वाला है और कैसी होगी वहाँ पर भीड़, वो सब भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहेगा और लास्ट में ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है अगर अच्छा लगे तो। तो चलिए फटाफट है ना जीजा फैशन का जो शोरूम है वहाँ पर चलते हैं। मेरे घर से थोड़ा ही दूर मुझे। तो अभी है ना वहाँ पर गाने बज रहे हैं, मेरे को यहाँ पर सुनाई दे रहे हैं कि लगन में डीजे वगैरह काई ना चाले, खजूर भाई का जो गीत है, खजूर भाई का जो सॉन्ग है वो भी बज रहा है क्योंकि खजूर भाई जो है वो शौकीन है गाने के, खाने के, घूमने के, सबके शौकीन है और सभी चीजें ना दिल से करते हैं और लोगों की मदद भी दिल से करते हैं। A few minutes later, अभी पहुंच गया हूँ जहाँ पर आने वाले हैं खजूर भाई ग्रैंड ओपनिंग करने के लिए जीजा फैशन का। तो ये है आपके सामने, देखो ये है जीजा फैशन, यहाँ पर होने वाला है ग्रैंड ओपनिंग। यहाँ पर आएंगे खजूर भाई और ग्रैंड ओपनिंग करेंगे जीजा फैशन का। अभी है ना 4:30 बजे और यहाँ पर अभी भीड़ लगना चालू हो गई है और ये है जीजा फाइव फैशन का ग्रैंड ओपनिंग का स्टेज। यहाँ पर आएंगे खजूर भाई और पीछे है जीजा फैशन। देखो यहाँ पर है बैठने की व्यवस्था और हम जाएंगे अंदर बैठने के लिए कुर्सी में। जीजा फैशन के अंदर भाई जीजे भाई माँ 5 वागे मिले छे, ત્યાં સુધી ખુરશી કોઈ મૂકશે નહીં, તમને તમારી માછી ના હમ છે એટલે યાદ રાખજો હું કે હો જામનગર વાળા રે ની નો ગલા બોલો આ ડાબા કઈ ની કરતા પર બેઠા ઉઠી જય માતાજી।
डीजे 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 ना बेज पर नाच वाला डीजे 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 लगन मा जोइए डीजे वाला जीजा फैशन ना जे आउटफिट छे कॉस्ट्यूम छे ड्रेसिंग छे नवी डिजाइन कलर कॉम्बिनेशन कलर करेक्शन ना माध्यम थी अपने समक्ष जीजा फैशन ना माध्यम थी प्रस्तुत करशे ब्राइडल लुक જગમગી ઉઠ્યું છે અને જામનગર સૌરાષ્ટ્ર સમગ્ર ગુજરાત ગૌરવ લઈ શકે એવું જેમણે પોતાની અલગ પ્રતિભા પ્રસ્તુત કરી છે એવા જય છણિયારા સ્ટેન્ડ અપ કોમેડિયન જોરદાર તાલીઓના ગણગણાટ સાથે આપણે સૌ કોઈ બિરદાવીએ ઇન્ડિયાઝ લાફિંગ ચેમ્પિયન ફેમ જેમણે કપિલ શર્મા શો લાફ્ટર ચેલેન્જ અને તારક મહેતા આ તમામ શોમાં જેમણે અદ્ભુત પરફોર્મન્સ આપ્યું છે એવા જય છણિયારા આજ જીજા ફેશન ધ રેન્ડલ હાઉસ ના મહેમાન બન્યા છે જયભાઈ સનિયારાનો માત્ર વ્યક્તિનો નહીં પણ એના વ્યક્તિત્વનો એમની કળાનો એમની પ્રતિભાનો એમની ટેલેન્ટનો એમની અંદર રહેલી સુંદર મજાની અદ્ભુત ઇનક્રેડિબલ સુષુપ્ત શક્તિઓ છે એમનું સન્માન છે આ સન્માનમાં જામનગર વાસીઓનો તાળીઓનો ગડગડાટ અદ્ભુત હોવો જોઈએ જોરદાર તાળીઓના ગડગડાટ જામનગર માટે જોરદાર તાળી
થઈ જાય આપણે. અને ઘણાને એવું લાગતું હોય કે ખજુરભાઈ એટલા ફેમસ કેમ છે, તો 10 વર્ષ કાઢીને ગયો ઇન્ડસ્ટ્રીમાં અને 365 દિવસ રોડ પર જ ફરું છું, ઘરે જવાનું નામ નથી લેતો. એટલે જાત આ કોઈ પણ કલાકાર હોય, તમે યાદ રાખજો, જીવનમાં સક્સેસ થવું હોય, આગળ વધવું હોય, નાના નાના યુટ્યુબર હોય, ઇન્ફ્લુએન્સર હોય, તમામને કહું છું કે જિંદગીમાં સફળ થવું હોય કોઈ પણ વ્યક્તિને તો ઘર બાર છોડવા પડશે. જય માતાજી. મજામાં શાંતિ શાંતિ. જય માતાજી. અહીંયા સવાલ આપણે પૂછી લઈએ, પ્રેમ ભાવ આપતા રહેજો ભાઈ. મારી જમીન ના ભાગલા ની સિરીઝ કોને કોને જોઈ છે હાથ ઉપર કરે? 18 ભાગ. અને જેણે જેણે મારી જમીન ના ભાગલા ની સિરીઝ નો જોઈ હોય યુટ્યુબ ની અંદર જાજો, ખજુરભાઈ નામની યુટ્યુબ ચેનલ છે. અને ભાવ રાખજો લાલાભાઈ. અહીંથી સીધા આપણે કચોરી ખાવાનું છે અને કોલમીટા ની ચા પીવાની. યસ બરાબર ભાઈ, વગાડો અમારું ભાઈ, ફેર એન્ડ લવલી વગાડો. એટલે પોતે જે એક્ટિંગ કરતા હોય ને, રિયલ એક્ટિંગ ના વિડીયો મને મોકલજો, મને ગમશે તો એને જરૂરથી મારા વિડીયોમાં હું ચાન્સ આપીશ. મળીને ગુજરાતના ટેલેન્ટને આગળ લાવશું, સારા કાર્યો કરશું, એકબીજાને સપોર્ટ કરતા રહેજો. આઈ લવ યુ જામનગર. એક સાથે બધા બોલજો, જય માતાજી, જય શ્રી કૃષ્ણ. ઘર પે જાકે બાદ યા તો યહાં પર વિડીયો કા એન્ડ કરેંગે. આપકો વિડીયો કૈસા લગા, લાઇક શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઇબ કરેગા અગર વિડીયો અચ્છા લગા હો તો.